नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। किन्नापुर वन विभाग को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि साले के जंगल से लगे राजस्व के खेत में जंगली सुअर का शिकार किया गया, जिसके पश्चात तत्काल वन परिक्षेत्र अधिकारी किन्नापुर के द्वारा टीम का गठन करते हुए तत्काल मौके पर भेजा गया। वन अमले के द्वारा देखा गया कि जंगली सुअर को झाड़ियों के किनारे काट कर पकाया गया। पश्चात तपिश देते हुए खोजबीन की गई, तब ज्ञात हुआ कि खेत मालिक परमेश्वर जय सिंह मरावी निवासी साले और खेमलाल पिता राधेश्याम निवासी बक्कर के साथ कर रहा था। वहीं पर जंगल में अन्य दो आरोपी रवि रामेश्वर और राधेलाल पिता मेहतर ढीमर निवासी साले टोला बकरी चरा रहे थे, तभी परमेश्वर के बुलाने पर उक्त तीनों लोग परमेश्वर के खेत में अपने पांचों साथी अखिलेश ढोलन सिंह की मदद से वन्य प्राणी जंगली सुअर के पहले हाका लगाकर पकड़ लिया। फिर पांचों ने नम्रतापूर्वक कुल्हाड़ी की सहायता से काटकर पकाया, जिसके पूछताछ करने पर उसके द्वारा वन्य प्राणी जंगली सुअर का शिकार करने का इकबालिया जुल्म अपने अन्य साथियों के साथ करना स्वीकार किया, जिसके पश्चात उपरोक्त वर्णित आरोपी को गिरफ्तार करने में उनके विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39, 50 एवं 51 के तहत अन्य अपराध दिनांक 6 अगस्त 2022 को दर्ज किया गया, जिसके पश्चात गिरफ्तार चारों आरोपियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के पश्चात माननीय प्रथम श्रेणी न्यायालय बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। शिशुपाल अहरवाल, वन परिक्षेत्र अधिकारी किन्नापुर। ये एक्चुअली कल हमारे स्टाफ को यानी हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई कि जो सीतापार बीट है उसका कक्ष क्रमांक 706 है, तो उस बीट के जंगल से पहाड़ी के किनारे राजस्व के खेत बने हुए हैं, तो वहाँ पे एक जंगली जानवर जो सुअर प्रजाति का था वो जंगल से भटककर खेतों के किनारे तरफ आ गया। तो वहाँ पे जो परमेश्वर पिता जयसिंह मरावी जाति उनकी गौड़ है उनका खेत था, तो वहाँ पे दो लोग और बकरियाँ चरा रहे थे और उसी खेत में दो लोग उनके साथ में खाद बीज का छिड़काव कर रहे थे, तो इन सभी ने लालच बस सुअर को घेर कर हाका लगाकर पत्थरों और डंडियों की सहायता से उसको वहाँ मृत कर दिया। फिर झाड़ियों के पीछे जाकर उसको भूना और भूनकर उनको लकड़ी पे काटा और आपस में उसका मांस डिस्ट्रीब्यूट कर आपस में बांटा गया। फिर तो हम लोगों को सूचना लगी तो तत्काल टीम का गठन किया गया, तो मौके से कोई नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर के यहाँ जब कबूल किया और उनके घर के अंदर जब देखा गया तो उनके घर के अंदर से अपने को चीतल के शींग, सांवर के शींग, जीआई करंट बिछाने वाला जीआई तार और मांस से सनी हुई तराजू जिस पर वो मांस का क्रय विक्रय करते थे, बांट तराजू के और भी ऐसी संदिग्ध चीज़ें पाई गई, जिसके आधार पे उनको और पूछताछ की तो उन्होंने आराम से अपना जुर्म स्वीकार किया।